हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंडियन नेवी MR का एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, और साथियों मैंने कैसे क्रैक किया, और फिर से इस वीडियो में मैं अपना पूरा शेड्यूल बताऊँगा कि मैंने किस वे में तैयारी किया था और आपको किस वे में तैयारी करना होगा। साथियों, पूरा डिटेल में समझाऊँगा आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ना, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि आपका सफलता दिलवाने में काफ़ी मदद करेगी, इवन आपका सफलता दिलवाएगी। भाई, आपका इंडियन नेवी MR या SSR ज्वाइन करने से कोई नहीं रुकेगा। वैसे तो मैं MR वाले कैंडिडेट्स को इस वीडियो में टारगेट करके बताऊंगा कि MR वालों को किस वे में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा। और SSR वाले कैंडिडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो नेवी MR एग्ज़ाम है, अगर इंडियन नेवी का MR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे साथियों, तो आप सभी लोग को इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा। चलिए मेरे साथियों, बात करते हैं कि क्या मेन आपका सिलेक्शन का मेन मोटो क्या होना चाहिए। तो सिलेक्शन का देखिए, आपको अगर इंडियन नेवी में सिलेक्शन लेना होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक चीज़ होता है कि मतलब एक अपना अपना एक सेल्फ, मतलब जो होता है ना, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, और एक होता है कि मतलब किसी ना किसी टीचर से, जो टीचर पढ़ा रहा है और उसी में लगे हुए हैं, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचर से पढ़े जा रहे हैं और अपना सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा गलती है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथियों, यहाँ पर आपको सेल्फ़ स्टडी करना होगा, आपको सेल्फ़ स्टडी करना होगा। यहाँ पर मेरे बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का मानना है, इवन मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैंने भी खुद सेल्फ़ स्टडी 4 से 5 घंटा इवन कंटिन्यू मैंने सेल्फ़ स्टडी किया हूँ आज, मतलब जो भी मुकाम पर हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपना सेल्फ़ स्टडी मेरे को यहाँ तक लाया है। तो कहीं ना कहीं साथियों, मैंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया, उसमें एक सेल्फ़ स्टडी मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है कि पहला, मैं जो भी पढ़ता था, जहाँ से भी पढ़ता था, सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करता था। तो आप सभी को भी, मतलब कहीं से भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़िए या कोचिंग में पढ़िए या यूट्यूब पे पढ़िए, ऑनलाइन कहीं भी पढ़िए, मतलब आप सेल्फ़ स्टडी ज़रूर कीजिए। आप नोट्स तैयार कीजिए, क्या करना है आपको, नोट्स तैयार करना है। और बाकी मतलब मैंने कैसे नोट्स तैयार किया और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पहला चीज़ आपका क्या हो गया कि पहला चीज़ आपको सेल्फ़ स्टडी करना है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा। दूसरा चीज़ आपको देखिए, आपको मतलब सिलेबस की ओर नहीं भागना है, आपको टॉपिक की ओर भागना है। आपको किसके ओर भागना है, टॉपिक की ओर भागना है, कि आपको ये देखना है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से मतलब 1 मार्क्स पक्का पूछा जाएगा, तो उस टॉपिक को ही पकड़ डालो और उस टॉपिक्स को ख़त्म कर दो। मतलब कहीं ना कहीं आप टॉपिक के पीछे आपको भागना है। इवन नेवी MR में 50 मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पर ये देख कर चलो कि नेवी MR में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 टॉपिक पढ़ना पड़े, इवन आपको 80 टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं ना, तो 80 टॉपिक कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं होता है, 80 टॉपिक पढ़िए और नेवी MR को निकाल डालो। बाकी सिलेबस तो महासागर है भाई, नेवी MR का भी लेवल का पढ़ना होगा ना, तो कोई भी बुक उठा लेना, अरिहंत बुक हो या फिर SK बुक हो, मतलब मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, तो अरिहंत बुक हो या फिर SK बुक हो, कोई भी बुक हो भाई, पढ़ना मुश्किल है। तो इतना मैं आपको बताता हूँ, आप मैंने खुद नहीं पढ़ पाया तो आप क्या पढ़ पाओगे। मैं साथियों इस वे में कहना चाहूँगा कि दूसरा जो चीज़ है ना, मतलब आप टॉपिक की ओर भागो, कि जैसे मैं कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा आपको, उन टॉपिक्स से एकदम श्योर है कि मतलब आपका मतलब 50 नंबर का पेपर होगा ना, तो 50 नंबर आपको एकदम उसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स में 50 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। इवन आपका जो कंप्लीट जो है ना सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 50 टॉपिक पढ़िए और 50 नंबर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको मतलब बातें सब मतलब सिर्फ बात में हवा में उड़ा दी और 50 में 50 नंबर आ गया, ऐसा नहीं भाई। आपको उस टॉपिक जो मैं टॉपिक बताऊँगा, उस टॉपिक को क्या करना होगा, आपको तैयार करना होगा। जो मैं टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक को आपको तैयार करना होगा और उसके बारे में मतलब स्टडी करना होगा कि आखिर क्यों इस, मान लीजिए अब आपको, जैसे मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी, तो उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, बारी बारी से उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ आप समझ गए होंगे, पहला चीज़ आपको सेल्फ स्टडी करना है, दूसरा चीज़ आपको टॉपिक की ओर भागना है, और तीसरा चीज़ क्या होगा, तीसरा चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है।
तीसरा चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप डेली मॉक लगा सकते हो, डेली मॉक लगा सकते हो, ऑनलाइन भी लगा सकते हो, आप मेरे द्वारा भी लगा सकते हैं, मैं डेली मॉक कंडक्ट करवाता हूँ कभी ना कभी वीक में, और या फिर आप ऑफलाइन भी मतलब किसी ना किसी बुक से मॉक लगा सकते हो, तो इवन मैंने बहुत सारे बुक का मॉक दिया हूँ, तो वो चीज़ें आप मतलब कर सकते हैं। तो ये दूसरा तीसरा तरीका हुआ। बाकी एक चीज़ मैं और बताऊँगा साथियों, मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब डेफिनेटली आपको सिलेक्शन पक्का हो, तो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं मेन आपका एक जो है ना, कभी भी पढ़ाई कीजिए, तो मतलब आपको सीधे सीधे मैं बताता हूँ कि आपका कभी भी पढ़ाई कीजिए तो आपका मतलब फ़ोन से दूर, मतलब फ़ोन नहीं आना चाहिए, जो फ़ोन होता है ना फ़ोन कॉल्स, तो अगर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो बंदे जो होते हैं आप या मैं या कोई भी हो, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है, तो मतलब फ़ोन से थोड़ा सा मतलब दूरी बनाए रखिए। और हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ YouTube से ही पढ़ रहे हो या फिर कोई ऐप से स्टडी कर रहे हो, तो फ़ोन उस समय आप मतलब उस समय आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भाई जैसे कुछ याद कर रहे हैं, तो उस समय मतलब फ़ोन को एकदम अवॉइड कर दीजिए, जैसे मैंने किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी साथियों के लिए मेरे द्वारा एक प्यारा सा तोहफा है, एक प्यारा सा मतलब गिफ्ट है आप सभी साथियों के लिए, जो मतलब इंडियन नेवी लवर हैं, इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये मतलब प्यारा सा तोहफा है। तोहफा क्या रहेगा मेरी तरफ से, सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ना तो कुछ मैं आपको अमाउंट दूंगा और ना ही कोई अच्छा चीज़ दूंगा, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं कि आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा आपके भलाई के लिए। बस आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जो MR का पेपर होता है किस वे में होता है, किस लेवल का पूछा जाता है। तो साथियों मैं आपको बताता हूं कि मतलब एक मैंने क्लास लिया हूँ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ का एक क्लास मैंने ले लिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एक क्लास लिया हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में आप देख सकते हो, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसका लिंक आप क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना साथियों। ये एक क्लास मैंने लिया हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी PDF, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है साथियों। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने बोला सेकंड चीज़ में मैं आपको समझाया था कि आपको टॉपिक्स को तैयार करना है, ठीक है ना, आपको टॉपिक को तैयार करना है, तो टॉपिक आप कहाँ से तैयार करोगे, जैसे आपको बताता हूँ कि GK और साइंस का मतलब कंप्लीट जो है कोर्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों ये जो दो प्लेलिस्ट है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पहला चीज़ ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, इंडियन नेवी MR सिलेबस के नाम से ये प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट को आप देखते हो, मतलब ये तीन वीडियो है, इसमें मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, फिर से साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सभी चीज़ें इसमें बताया गया, फिर से GK में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको कंप्लीट वे में बताया गया है, तो इवन आपको मतलब कुछ टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं, इस टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है साथियों। बात करते हैं कि ये मतलब जो ये जो टॉपिक्स कहाँ से तैयार करना है, तो इसके लिए मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मतलब डेली करवाता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से pH वैल्यू से पूछे जाते हैं, साइंस में विटामिन से सवाल पूछे जाते हैं, फिर से बुक एंड ऑथर से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिससे मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर मतलब थोड़ा सा 1 नंबर के भी कोई कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी टॉपिक्स मैं धीरे धीरे आपको करवाऊंगा, तो ठीक है ना। तो मतलब इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों ठीक है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और ठीक है साथियों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।